ऑलराइट गाइस, आप बीसी की ऐप में जीटीए 5 खेलते हो एंड आपको उसके कंट्रोल समझ में नहीं आते, सो इस वीडियो में वही सारे के सारे कंट्रोल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड मैंने पीछे वीडियो बनाई थी जीके ऐप से जीटीए 5 कैसे खेलें, उस वीडियो पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा एंड उसी के नीचे कई सारे कमेंट्स आए थे कि हमें जीटीए 5 व्हीकल कंट्रोल नहीं करना आ रहा, कौन सा बटन क्या काम करता है हमें नहीं पता। सो वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ, व्हीकल को आगे कैसे लेना है, गाड़ी को पीछे कैसे लेना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। वीडियो अच्छी लगे सो एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब याद से कर देना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़े बेसिक से कंट्रोल्स, यानी जो आप के मेन कंट्रोल्स हैं वो, एंड एडवांस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, बाकी अगर उनके भी ज़रूरत है सो कमेंट में बता देना, इसका पार्ट 2 जरूर ला दूंगा। सो अभी मैं आपको कंट्रोल्स बता देता हूँ। अगर आप अपने करेक्टर को रन कराना चाहते हो तो जॉयस्टिक के साथ साथ आपको ए बटन लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा एंड जॉयस्टिक को मूव करना होगा, आपका करेक्टर रन कर लेगा। एंड एक्स बटन से आपका करेक्टर जंप करेगा, अगर आपको जंप कराना है सो एक्स बटन दबाना है। एंड अगर आप को किसी से फाइट करनी है, लात घुसंड मारने हैं किसी को, सो आप बी बटन से ये कर सकते हैं, बी बटन से आप फाइट ले सकते हैं। एंड अगर आपको वीपन को चेंज करना है, यानी गन लेनी है, सो आपको एल बी बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड स्क्रीन को स्लाइड करना है एंड वो वीपन सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास वीपन नहीं है, अगर आपको वीपन सेलेक्ट करके फायर करना है सो आर टी बटन दबाना है। एंड अगर रिलोड करनी है गन सो बी दबाना है एंड स्कोप को ओपन करना है सो एल टी आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। एंड अगर आपको मैप खोलना है, ऊपर 3 लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, फिर ए बटन पर क्लिक करना है एंड आपका मैप खुल जाएगा। एंड अगर आपको मार्क करना है, कहीं जॉयस्टिक से मूव करिए जहां मार्क करना है एंड फिर ए बटन को प्रेस कर दीजिए, आपके मैप में मार्क लग जाएगा। एंड बैक आने के लिए आपको बी बटन दबाना है, 2 बार दबा दीजिए आप वापस आ जाएंगे। अगर आप फोन निकालना चाहते हैं सो अप एरो की को प्रेस करना है, आपका फोन निकल जाएगा एंड एरो की से ही आप कुछ ऑप्शन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड बी बटन दबाएंगे सो फोन वापस जेब में डाल लेगा आपका करेक्टर। एंड अगर आपको करेक्टर में स्विच करना है, यानी माइकल से ट्रेवर, ट्रेवर से फ्रैंकलिन, सो आपको डाउन जो एरो की है उसको लॉन्ग प्रेस करना है, स्क्रीन को स्लाइड करना है। अगर आपने अनलॉक कर रखे हैं अदर करेक्टर सो आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपको छिपना है, कवर लेना है सो आप यहाँ पर आरबी बटन से कवर ले सकते हैं एंड किसी की भी छिप छिप कर बातें सुन सकते हैं। अगर आपको क्वाइट वॉक करनी है सो एलएस बटन से आप क्वाइट वॉक कर सकते हैं, एलएस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे सो आप क्वाइट वॉक करने लग जाएगा आपका प्लेयर। एंड उसके बाद गेम को सेव करना है एंड सोना है आपको सो बेड के नियर जाइए एंड जो राइट एरो की है उस पर टैप कीजिए, आपका प्लेयर, आपका करेक्टर यहाँ पर स्लीप हो जाएगा एंड गेम सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए ए बटन पर प्रेस करना है एंड दोबारा कंफर्म करने के लिए ए बटन पर प्रेस करना है, उसके बाद आपका गेम सेव हो जाएगा एंड आपका करेक्टर भी नींद से उठ जाएगा। एंड अगर आपको कोई व्हीकल लेना है तो व्हीकल या गाड़ी के पास जाइए, जो भी आप लेना चाहते हो, एंड उसके पास जाकर वाई बटन टैप कर दीजिए, आपका करेक्टर व्हीकल के अंदर एंटर हो जाएगा। एंड बाहर निकालने के लिए भी आपको वाई प्रेस करना पड़ेगा, एल टी दबाएंगे सो आपका व्हीकल या गाड़ी बैक जाएगी। एंड आगे लेना है सो आपको आर टी प्रेस करना होगा, तब आपका व्हीकल आगे जाएगा। एंड अगर ब्रेक अप्लाई करने हैं सो आर बी बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा सो आपका ब्रेक भी लग जाएगा। एंड अगर आपको कोई म्यूजिक चेंज करना है, जो म्यूजिक बजते रहते हैं, सो आप लेफ्ट एरो की से म्यूजिक चेंज या म्यूजिक को कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक कंट्रोल से चीकी ऐप में जीटीए 5 के। एंड अगर आपको और भी एडवांस कंट्रोल्स जानने हैं सो कमेंट में बता देना। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थे इस वीडियो में, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है सो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो कर देना सब्सक्राइब।